हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल अनीताज किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ नमक पारे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस इवनिंग स्नैक है। आप इसे चाय के साथ आराम से सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस डिलीशियस रेसिपी के सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर इस रेसिपी को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। नमक पारे बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मैदा, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक और तेल। नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल में 250 ग्राम मैदा डालेंगे। अब हम इसके अंदर 1/4 कप तेल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। अब हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसके साथ ही आधी छोटी चम्मच अजवाइन को ऐसे हाथ में लेकर इसे क्रश करके हम डाल देंगे। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तब इसे बांध कर देखेंगे। अगर ये इस तरीके से बंध रहा है तो इसका मतलब इसमें तेल की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक बिल्कुल सख्त आटा रेडी कर लेंगे। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना है, वरना जो आटा है वो काफ़ी गीला हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे करके पानी डालें और एक बिल्कुल सख्त आटा रेडी कर लीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर बिल्कुल टाइट डो रेडी कर लिया है। अब हम इस डो को 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। 15 मिनट बाद हम इसके नमक पारे बनाएंगे। ये देखिए, डो को 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार फिर से गूंद लेंगे। ये डो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इस डो को दो भागों में बांट देंगे। अब हम एक फ्लैट सरफेस पर इस तरीके से थोड़ी सी मैदा डालेंगे और एक डो बॉल लेकर इसे अच्छी तरीके से बेल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बस जितना हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रखना है। ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए ये, ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए। ये देखिए, शीट हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। सारी तरफ से बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब हम नाइफ से इस तरीके से कट लगाएंगे। पहले हम इसे बिल्कुल सीधे सीधे काटेंगे। अब हम इसको डायगोनली काटेंगे। नमक पारे को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, वैसे लंबे होते हैं। अब हम एक प्लेट के ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे तेल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब ये जो नमक पारे हमने काटे हैं इसे इस पर डाल देंगे। ये यहाँ पर एक डो बॉल के नमक पारे रेडी हो गए हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरी डो बॉल लेंगे और इसे भी बेल लेंगे। और इसे भी सेम उसी तरीके से हम काट लेंगे। अब हम इन्हें भी प्लेट में डाल देंगे।
अब हम हल्के गरम तेल के अंदर इसे डाल देंगे। तेल हमारा ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गरम होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम गरम होना चाहिए तेल। अब हम इसे इस तरीके से हिला लेंगे थोड़ा, ताकि ये जो नमक पारे हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे, ताकि ये अच्छे क्रिस्प रेडी हो जाएं। बीच बीच में इन्हें चलाते रहें, ताकि ये सारी साइड से बिल्कुल इवनली ब्राउन हो। ये देखिए, हमारे नमक पारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इनमें। ऐसे जब गोल्डन ब्राउन कलर के ये हो जाए, तब इन्हें प्लेट पर निकाल लीजिए। तो ये लीजिए, अब इन्हें गर्मा गर्म सर्व कीजिए। चाय के साथ ये इवनिंग स्नैक्स सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा अपने एक्सपीरियंस। मैं फिर मिलती हूँ आपसे मंडे को एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।